ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोट बोली गई है कि इफ आई हैव द बिलीव दैट आई कैन डू इट, आई शैल श्योरली एक्वायर द कैपेसिटी टू डू इट इवन इफ आई मे नॉट हैव इट एट द बिगिनिंग। मतलब किसी भी चीज को अगर करने की मैंने ठान ली तो फिर उसे करने की जो कैपेसिटी है वो अपने आप मेरे अंदर आ जाएगी, भले ही उसे करने की जो क्षमता है वो शुरुआत से मेरे अंदर ना हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप में खुद पर कॉन्फिडेंस है तो पूरी कायनात आपको वो चीज़ दिलाने में लग जाएगी। अगर आप उस चीज़ को पूरी कोशिश में लग जाओ पाने के, अगर आप पूरी की पूरी आपकी जो क्षमता है वो लगाने के लिए तैयार रहो, तो फिर आपकी क्षमता अपने आप बढ़ती जाती है, आपकी कैपेसिटी अपने आप बढ़ती जाती है और आपके अंदर इतनी कैपेसिटी आ जाती है कि आप वो चीज़ अचीव कर लेते हो। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको ठानना पड़ेगा कि वो चीज़ मुझे अचीव करना है, उसके बाद ही कैपेसिटी आएगी। शुरुआत में बहुत सारे लोग यही सोचकर बंद कर देते हैं कि नहीं, मेरे अंदर तो कैपेसिटी नहीं है। शुरुआत में हो सकता है कि आपके अंदर ना हो, लेकिन आपका निश्चय इतना दृढ़ हो कि फिर अपने आप आपके अंदर वो कैपेसिटी आ जाएगी जो चीज़ आपको अचीव करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक कोड जो है वो लॉन्च किया गया है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, जो है कंबाइंड एग्ज़ाम के लिए, जो एमपीएससी की कंबाइंड एग्ज़ाम होती है उसके लिए कोर्स लॉन्च किया गया है। और इस कोर्स में आपको सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेगी। टोटल 50 दिन का ये कोर्स रहने वाला है, कंबाइंड एग्ज़ाम मतलब पीएसआई एसटीआई एएसओ के लिए। अब इसमें आपको अलग अलग जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर अगर आपको कोड ज्वाइन करना है तो रेफरल कोड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा MMBean, क्योंकि यहाँ पर लाइव सेशंस होने वाले हैं। लाइव सेशन में मैं भी यहाँ पर एक सेशन ले रहा हूँ करंट अफेयर्स का, जहाँ पर सारे करंट अफेयर जो है, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, वो सब यहाँ पर कवर किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PDF सब आपको मिलेंगे, इंटरेक्टिव लेसन्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर आप टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, डाउट्स आपके क्लियर हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल साइंस जो है उसका भी यहाँ पर आपको एक बैच नज़र आएगा। जनरल साइंस में भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, तो ये भी आपका क्लियर कट लिया जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो CSAT का पेपर है वो भी लिया जाएगा। तो CSAT का पेपर जो है, मतलब CSAT का जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो वो भी यहाँ पर कवर किए जाएंगे। मतलब ये काफ़ी हाई स्कोरिंग बैच है जिसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं कंबाइंड एग्ज़ाम में। तो अगर आपको क्लियर करना है तो जल्द से जल्द यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो है वो लीजिए और इस बैच को ज्वाइन कीजिए। उसके लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है, रेफरल कोड MMBean। तो जल्द से जल्द MMBean ये कोड का इस्तेमाल करके आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और वीडियोज़ को एन्जॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 17th मार्च का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। सबसे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो आज की जो मैप बेस्ड एक्सरसाइज है वो है माउंटेन्स पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग माउंटेन रेंजेस, अलग अलग माउंटेन्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आपको जो बताना है वो है ये यूरोप के माउंटेन्स। तो ये कौन से हैं ये आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसमें पार्टिसिपेट करोगे, जिससे कि आप सभी का फ़ायदा होगा। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। PDF और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आइए हम यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन की बात करते हैं। अब देखिए, एक्सप्लेन सेक्शन हो या फिर एडिटोरियल पेज हो या फिर आइडियाज पेज हो, आपको सारे आर्टिकल्स कोरोना वायरस के बारे में ही देखने को मिलेंगे। मतलब हो सकता है कि कंप्लीटली उस पर ना हो, लेकिन फिर भी उसी से सिमिलर आपको आर्टिकल जो है वो देखने को मिलेंगे। ये एक अलग आर्टिकल है MP फ्लोर टेस्ट के बारे में, तो इसे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर कोरोना वायरस जो है उसी के बारे में सभी आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं, भले वो SARC वाला हो, भले ही वो जो ट्रैवल बैन हो उस पर हो, या फिर अलग अलग जो आपके मन में सवाल होंगे वो भी यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो एक एक करके हम इन आर्टिकल्स को देखेंगे, लेकिन अलग अलग नहीं देखेंगे, एक ही इसमें मर्ज करके मैं सभी आर्टिकल्स आपके सामने लेकर आऊँगा।
क्योंकि देखिए अलग अलग लाने में कोई मतलब ही नहीं है, जब कोरोना वायरस के बारे में ही है तो फिर एक ही आर्टिकल में सब कवर करना यही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि एक ही इसमें सभी आर्टिकल जो है वो कवर हो जाए, जो भी सारे आर्टिकल्स में से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने हमने पहले कवर नहीं की है, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी कवर कर ली है, तो ऐसी चीज़ें जो हमने कवर नहीं की है वो यहाँ पर मैं आपके सामने लेकर आने की कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो सभी के मन में आ रहा है वो ये है कि कोरोना वायरस का जो ट्रांसमिशन है क्या वो समर आने के बाद, अब समर आना क्या बाकी है, जी हाँ मतलब अप्रैल आने के बाद क्या वो खत्म हो जाएगा, जैसे कि सरकार जो है उन्होंने भी 31 तक जो लॉकडाउन है वो किया, तो अब यहाँ पर जब समर कम्प्लीटली आ जाएगा, मतलब जब गर्मी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बहुत बुरी तरीके से आ जाएगी, तो क्या कोरोना वायरस का जो ट्रांसमिशन है उसमें स्लो डाउन देखने को मिलेगा? तो ये सवाल सभी के मन में आ रहा है, तो इसे ही हम यहाँ पर डिकोड करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर आप सबसे पहले तो कंफर्म केसेस जो है कोरोना वायरस के वो देख सकते हो, अब लगभग 179,000 के आसपास जो कोरोना वायरस के कंफर्म्ड केसेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो चाइना है जहाँ से उसकी शुरुआत हुई है वुहान, है ना, इसलिए चाइना में सबसे ज़्यादा देखने को मिल ही रहे हैं। उसी के साथ साथ इटली जो है वो भी एक हब बना हुआ है, 27,000 28,000 आप पकड़ सकते हो, इतने केसेस वहाँ पर कंफर्म केसेस देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ आप देखिए मतलब जो छोटे छोटे कंट्रीज है यूरोप के, स्विट्जरलैंड आप देखिए, मतलब आप अगर इमेजिन करोगे तो वहाँ की टोटल पॉपुलेशन जो है वो इतनी कम है, मतलब हमारा एक स्टेट अगर ले लिया जाए ना, एक स्टेट सिर्फ, उससे भी कम पॉपुलेशन जो है वो स्विट्जरलैंड की हमें देखने को मिलती है। तो स्विट्जरलैंड में यहाँ पर 2,200 केसेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं, स्पेन में 10,000 के आसपास केसेस देखने को मिल रहे हैं, फ्रांस जो इतना छोटा है वहाँ पर 5,000 के ऊपर केसेस देखने को मिल रहे हैं, और उसी के साथ यूनाइटेड किंगडम जो है वहाँ पर इतने, जर्मनी आप सोचिए वहाँ पर इतने ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो यूरोप में ये बहुत ही बुरी तरीके से फैल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम एशिया की भी बात करते हैं तो ईरान जो है वहाँ पर भी बहुत बुरी तरीके से केसेस फैल रहे हैं, और यही चीज़ अफगानिस्तान जो है उसे भी सता रही है, क्योंकि अफगानिस्तान की बॉर्डर उससे लगती है। पाकिस्तान ने तो अपनी बॉर्डर जो है वो सील कर दी है, मगर अफगानिस्तान की बॉर्डर जो है वो सील नहीं है, अफगानिस्तान में फ्रीली ट्रैवल जो है वो भी किया जा सकता है ईरान की तरफ से, इसीलिए उन्हें डर है कि यहाँ पर इतने केसेस हो रहे हैं। साउथ कोरिया अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी 8,000 के ऊपर जो केसेस है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, और USA वहाँ पर 4,000 के आसपास है। तो इस तरीके से ओवरऑल केसेस जो है वो हमें रिकॉर्ड किए गए देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें सच्चाई कितनी है, सच्चाई क्या सिर्फ 81 है या उससे ज़्यादा है, ये हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो ऑफिशियली दर्शाई गई है वो इतनी संख्या हमें देखने को मिल रही है। वही अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में कोरोना वायरस जो है वो 114 हो गई है, और उसी के साथ साथ दो डेथ देखने को मिली है, और यहाँ पर कुछ लोग डिस्चार्ज भी किए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो दिल्ली में 2, केरला में 3, यूपी में 4, राजस्थान में 3, तेलंगाना में 1, इस तरीके से डिस्चार्ज जो है वो भी मिल चुका है। तो अलग अलग आप स्टेट्स में देखिए, जैसे कि महाराष्ट्र जो है यहाँ पर 32 नहीं, अब ये जो आंकड़ा है ये 37 पर पहुँच गया है, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो केसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लद्दाख में अगर आप देखोगे तो वहाँ 4 केसेस हो गए हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट सोशल डिस्टेंसिंग, और उसी के साथ साथ जितना आप क्वारंटाइन पर रहो ऐसे ही अपने घर में क्वारंटाइन पर बैठे रहो, वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि हम कोरोना वायरस जो से स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। और अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोरोना वायरस होता है, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल जाए कि आप बाहर जाकर दूसरों को भी कोरोना वायरस स्प्रेड करो। कोशिश कीजिए कि खुद को भी प्रोटेक्ट रखें और हम दूसरों को भी प्रोटेक्ट रखें, जिससे कि पूरे देश में कोरोना वायरस ना फैले, क्योंकि हम अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा, कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा, और फिर हम जब रिकवर होंगे उसके बाद भी हमें चांसेस रहेंगे कि फिर से कोरोना वायरस हो जाए। इसलिए बेटर है कि हम यहाँ पर क्या करें, खुद को आइसोलेट कर दें और उसके बाद ट्रीटमेंट लेना शुरू करें, जिससे कि तब तक कोरोना वायरस जो है उसका जो अकाल है वो खत्म हो जाएगा, और फिर जब आप रिकवर हो जाओगे उसके बाद फिर से आपको डर नहीं रहेगा कोरोना वायरस होने का, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर इस तरीके की सावधानी जो है वो बरतना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इंडिया जो है काफ़ी फॉर्चुनेट रहा है कि उसने फर्स्ट राउंड जो है वायरस स्प्रेड का जनवरी फरवरी का उसे एस्केप कर लिया। अब इसके पीछे काफ़ी कारण है, जैसे कि आप देखोगे जैसे हमने वर्ल्ड में देखा है कि अलग अलग कंट्रीज़ में काफ़ी वायरस जो है वो स्प्रेड हो चुका है, लेकिन इंडिया में जहाँ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतनी वास्ट पॉपुलेशन है, और जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग इतनी मेंटेन नहीं की जा सकती है, कुछ ऐसे शहर हैं जो काफ़ी क्राउडेड हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया जहाँ पर मेट्रो में इतनी भीड़ होती है, मुंबई हो गया लोकल ट्रेन में इतनी भीड़ होती है, तो ऐसे भी सिटीज़ में यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करने में काफ़ी कामयाब हुआ है भारत। तो इसके पीछे का कारण क्या क्या है?
सबसे पहला कारण तो है टाइमली इवैक्यूएशन वुहान से, है ना, जो भी लोग हैं उन्हें टाइमली इवैक्यूएट किया गया, जिससे कि इंडिया में जो लोग आए वो कम लोग ऐसे थे जो वायरस लेकर आए। अब ये मेंस में आपको लिखने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर मेंस में आपको, देखिए बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मेंस में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सीधी सीधी सी बात है कि यूएसए में 4,000 के ऊपर केसेस देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग इसमें 10,000 के ऊपर केसेस देखने को मिल रहे हैं। स्विट्जरलैंड जो इतना छोटा है, जहाँ पर पॉपुलेशन सिर्फ 85 लाख है, वहाँ पर 2,000 के ऊपर केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे सिनारियों में इंडिया में अभी आसपास 100 के आसपास आंकड़ा देखने को मिल रहा है, तो ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो ये भी एग्जाम में पूछने लायक ही क्वेश्चन है, तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें हैं ये पता रहनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले टाइमली इवैक्यूएशन जो है वुहान से, वो यहाँ पर किया गया, और उसी के साथ साथ रैपिड टेस्टिंग जो है एयरपोर्ट पर, वो यहाँ पर की गई, और कंपलसरी टेस्टिंग थी। ऐसा नहीं है कि अगर आपको करवाना है कराओ, नहीं कराना है मत कराओ, चले जाओ, ऐसा नहीं था। रैपिड और कंपलसरी टेस्टिंग जो है एयरपोर्ट्स पर की गई। उसी के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन किया गया, मतलब यहाँ पर लोग जो है वो उन्होंने सीधा सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो यहाँ पर मेंटेन करना शुरू कर दिया। सोशल डिस्टेंसिंग क्या है वो हमने पिछले वीडियोस में देखा हुआ है, मतलब आप यहाँ पर किसी भी इंसान के करीब नहीं जा रहे हो, दूर से ही वेव कर रहे हो, दूर से ही नमस्कार कर रहे हो, ये सब कुछ मतलब दूर से ही राम राम, इस तरीके से देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ कम्युनिटी ट्रांसमिशन टेस्ट जो है वो भी यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। अब देखिए, कल जब हमने कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बारे में देखा था, काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन हुआ था। मैंने जैसे आपको बताया था कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन मतलब क्या है, सोर्स हमें पता नहीं होता है। जैसे कि कोई इंसान जो है अगर वो बाहर किसी देश से आया है, है ना, और उसी के साथ साथ अगर वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में है, तो हमें सोर्स पता है कि कैसे इस इंसान को हुआ होगा। लेकिन कम्युनिटी में अगर वो ट्रांसमिट हो रहा है, एक सोशल नॉर्म में अगर वो ट्रांसमिट हो रहा है, तो हमें सोर्स पता नहीं चलता है। तो ये काफ़ी लोगों ने सवाल पूछा था कि फिर स्प्रेड ही कैसे होगा, है ना, मतलब कम्युनिटी ट्रांसमिशन में स्प्रेड ही कैसे होगा, जब ये इंसान कांटेक्ट में नहीं आया है, जब ये इंसान जो है उसने बाहर कहीं ट्रैवल नहीं किया है, तो फिर कैसे ट्रांसमिट करेगा। तो देखिए, इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल, ये एक इंसान है जो चाइना से ट्रैवल करके आया है, ठीक है, और इसके अंदर कोरोना वायरस है, हम ऐसा कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो ये कोरोना वायरस से पीड़ित है, लेकिन इसे भी पता नहीं है, क्योंकि 14 दिन तक का पीरियड होता है जहाँ सिम्टम्स भी पता नहीं चलते हैं और जहाँ हम जो वायरस है वो स्प्रेड कर सकते हैं। तो इसे भी पता नहीं है कि ऐसा कुछ वायरस हुआ है। अब ये अगर हॉस्पिटल में जाता है और ये बोलता है कि मुझे टेस्ट कराना है कोरोना वायरस का, तो क्या होगा, सबसे पहले इसे दो सवाल पूछे जाएंगे। एक तो ये कि क्या आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आए हो, ये बोलेगा नहीं। दूसरी चीज़ जो इससे पूछी जाएगी, इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में मतलब ऐसा नहीं है कि रैंडमली किसी भी पर्सन के, ऐसा नहीं, आपके फैमिली में किसी को हुआ है क्या जिससे कि आप पूरा कांटेक्ट में रहो उसके, तो फैमिली में जी नहीं, नहीं हुआ है किसी को भी। दूसरा पूछा जाएगा, क्या आपने कहीं आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल की है, इसने ये बोलेगा हाँ मैंने चाइना में की है, तो बोलेंगे ठीक है हम आपका टेस्ट जो है वो करवा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसने टेस्ट करवाया नहीं, क्योंकि इसे पता ही नहीं है कि इसे वायरस हुआ है, ठीक है, अब ये क्या किया इसने, ये गया कहीं पर, मतलब मैकडी में समझ लीजिए, वॉलमार्ट में समझ लीजिए, कहीं पर भी समझ लीजिए, ये गया, अब इसे एक्चुअल में पता ही नहीं है ना कि इसे वायरस हुआ है, क्योंकि ना सिम्टम्स दिख रहे हैं ना कुछ दिख रहे हैं। अब वहाँ पर इसे एक ये आदमी दिखता है, अब ये आदमी जो है ये इसके कॉन्टैक्ट में आ जाता है, अब ये आदमी को भी पता नहीं है कि इसे वायरस हुआ है, है ना, और ये आदमी को पता ही नहीं है कि उसे वायरस है, तो अब क्या होगा, ये वायरस इसमें ट्रांसमिट हो जाएगा। अब ये वायरस इसमें ट्रांसमिट हो चुका है, अब उसके बाद ये जो आदमी है ये अगर बाकी किसी फैमिली मेम्बर से मिलने जाता है या बाकी किसी लोगों के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, अब इसे क्या हो रहा है, थोड़ी बहुत सर्दी खांसी हो रही है, थोड़ी सर्दी खांसी हो रही है, ये जाएगा टेस्ट करवाने कि मेरे को कोरोना वायरस का टेस्ट करवाना है। अब यहाँ पर इसे दो सवाल वही पूछे जाएंगे, क्या आपने कहीं बाहर ट्रैवल किया है, वो बोलेगा नहीं। क्या आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में हो, मतलब आपकी फैमिली मेम्बर में कोई है, वो बोलेगा नहीं, तो बोलेंगे नहीं फिर आपको कोई खतरा नहीं है, आप में वायरस जो है वो नहीं हुआ है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो इसमें वायरस है क्योंकि इससे स्प्रेड हुआ है जो कि पता ही नहीं था। तो इस वजह से क्या है, इस वजह से इसे ये अब यहाँ पर जो भी स्प्रेड करेगा इसे हम कहेंगे कम्युनिटी ट्रांसमिशन, क्योंकि ये इंसान ना ही किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आया था, उसकी फैमिली में था, और ना ही इसने कहीं बाहर ट्रैवल किया था, लेकिन फिर भी अब ये ट्रांसमिट कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन। अब आपका पिक्चर क्लियर हो गया, कम्युनिटी ट्रांसमिशन मतलब बेसिकली क्या है, तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है वो भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अब उसके लिए भी इजाज़त दे दी गई है कि आप कम्युनिटी ट्रांसमिशन अगर हो रहा हो तो उसमें भी आप टेस्ट जो है वो करवा सकते हो। उसी के साथ टाइमली क्वारंटाइन जो है वो भी किया गया, मतलब जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है तो सीधा क्वारंटाइन पर रख दिया जाता है, मतलब आपको सीधा एक आइसोलेट रूम में रख दिया जाता है। वो आइसोलेट रूम के ना दरवाजे खुलते हैं ना खिड़कियाँ खुलती है, जो वेंटिलेशन से हवा आती है वो भी कहीं अलग से आती है और अलग ही जहाँ चली जाती है,
उसी के साथ साथ आपकी टेस्ट जो है वो भी फास्ट तरीके से होती है। तो इस तरीके से जो टाइमली क्वारंटाइन है वो भी यहाँ पर किया गया, और ये सब रीजंस की वजह से जो इंडिया है वो रिस्ट्रिक्ट करने में काफ़ी कामयाब रहा। तो अब आपको यहाँ पर पूरा जो मतलब कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सबको समझ में आ गया है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल आता है सभी के मन में वो है टेम्परेचर राइज। क्या टेम्परेचर राइज और कोरोना गो ऐसा हो सकता है? तो यहाँ पर अगर सिर्फ हम बोल दे कि कोरोना गो गो कोरोना, तो क्या ऐसा हो सकता है? और टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो टेम्परेचर क्या ऐसा बोल सकता है कि कोरोना गो गो कोरोना? तो ऐसा एविडेंस जो है वो नहीं मिल पाया है, ऐसा डाटा जो है वो नहीं मिल पाया है जो इस चीज़ को सजेस्ट कर सके कि अगर टेम्परेचर राइज हो तो यहाँ पर कोरोना जो है वो गो हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर सब जो आस लगाए बैठे हैं कि धुक्का अगर आ जाए, बहुत बुरी तरीके की अगर धूप पड़े तो फिर कोरोना वायरस चला जाएगा, ये भी अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। वेदर कंडीशंस से क्या अफेक्ट पड़ेगा वो तो जब वेदर कंडीशन चेंज होगी उसके बाद ही पता चलेगा। हो सकता है कि वो पूरा डिमिनिश हो जाए, हो सकता है कि उस पर कोई फर्क ना पड़े। अब यहाँ पर और कुछ सवाल आते हैं, जैसे कि चिकन जो है क्या वो खाना यहाँ पर सेफ है? तो यहाँ पर बिल्कुल सेफ है अगर आप सही से कुक करते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्प्रेड हो रहे हैं कि नॉनवेज वगैरह ये सब कुछ ये होता है, लेकिन वो सेफ है। लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपने अवॉइड करना चाहिए रिसेंट टाइम्स में, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि उसका दूसरा ये है कि अगर भले ही स्प्रेड ना हो रहा हो, लेकिन अगर आपने प्रॉपरली कुक्ड नहीं किया या फिर कुछ प्रॉब्लम आ गए, तो फिर हो सकता है कि दूसरा ही कुछ स्प्रेड होने लग जाए। दूसरा ही कुछ स्प्रेड होने लग गया फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, है ना? क्योंकि ठीक है, ये जो है ये अगर इन सबको अफेक्ट नहीं करता है, कोरोना वायरस अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन हमने एक वीडियो में देखा था कि जब ये रेप्लिकेट करता है तो इसकी जीन सीक्वेंसिंग जो है वो चेंज होती है। मतलब जो ये एक वायरस है, जो दूसरा वायरस इसे रेप्लिकेट करेगा, ये अलग रहेगा, थोड़ा अलग रहेगा, थोड़ा उसमें डिफरेंस रहेगा। तो जब ये डिफरेंस आ रहा है, हो सकता है कि दूसरा ही कोई लगकर ये जो चिकन है या फिर मटन है इसमें चला जाए, और इसके वजह से क्या हो, दूसरा ही कोई वायरस जो है वो इनकल्केट हो जाए। इसलिए एट प्रेजेंट सिनारियों में देखा जाए तो अगर आप अवॉइड करते हो ये सारी चीज़ें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगी, मेरी पर्सनल ओपिनियन है। बाकी यहां पर जो फैक्ट चेक में बताया गया है वो यही है कि कोरोना वायरस इंफेक्शन जो है पोल्ट्री प्रोडक्ट के कंजम्पशन से कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं मिला है। उसी के साथ साथ यहां पर मॉस्किटो बाइट जो है उससे भी अगर डर लग रहा हो तो मॉस्किटो बाइट से भी कोरोना वायरस स्प्रेड नहीं होता है। मतलब कि अगर एक इंसान को कोरोना वायरस है, उससे अगर वो मॉस्किटो बाइट कर रहा है, उसके बाद अगर वो दूसरे इंसान को जिसे कोरोना वायरस नहीं है उसे बाइट करता है, तो ऐसा नहीं है कि इसका कोरोना वायरस उसमें चला जाएगा, ऐसा भी यहां पर नहीं पाया गया है। तो ये भी बिल्कुल गलत है। उसी के साथ साथ यहाँ पर कोरोना वायरस जो है वो आइसक्रीम के थ्रू स्प्रेड होता है, ऐसे भी जो मैसेजेस है वो स्प्रेड हो रहे हैं। तो देखिए, कोरोना वायरस जो है वो जो आइसक्रीम है उसके कंजम्पशन से भी स्प्रेड नहीं होता है, क्योंकि आइसक्रीम ठंडी है तो उस तरीके ठंडे स्टफ्स आप मत खाओ, तो ये भी क्लेम जो है ये झूठा साबित होता है। उसी के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट और सबके लिए जो एकदम मतलब एक गुड न्यूज़ लेकर आया था कि अल्कोहल जो है वो यहाँ पर कोरोना वायरस इन्फेक्शन नहीं होने देता है, तो ये तो बहुत लोगों को एक यही मिल गया था मतलब कि अरे वाह, बहाना मिल गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि कोरोना वायरस होता है, ऐसा नहीं है कि अगर आप ये कर रहे हो तो कोरोना वायरस नहीं होगा, बिल्कुल कोरोना वायरस होगा। ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत है। अब देखिए, यहाँ पर दो हमें केस स्टडीज हमने कल भी डिस्कस की थी कि साउथ कोरिया जो है वहाँ पर वो मास टेस्टिंग कर रहे हैं और वो काफ़ी सक्सेसफुल भी साबित हुई है कि आए गए सभी लोगों को पकड़ो और टेस्ट करो, पकड़ो टेस्ट करो, पकड़ो टेस्ट करो। हमने देखा है इटली में लॉकडाउन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इंडिया में मास टेस्टिंग करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे ये लगेंगे इंस्ट्रूमेंट्स, इतने सारे पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना डेवलप्ड नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर लॉकडाउन जो है, इंडिया ने लॉकडाउन का ये जो है वो अपनाया है, और लॉकडाउन जो है ये भी काफ़ी कारगर साबित हुआ है। इसके वजह से इकोनॉमिक लॉस जो है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आगे आने वाले खतरे से हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बच पा रहे हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही है। अब चाइना भी अगर आप देखोगे तो चाइना भी यहाँ पर काफ़ी क्रेडिट ले रहा है कि हमने इतना जो स्प्रेड है उसे कंट्रोल किया। दूसरी चीज़ जो देखी जा रही है चाइना की तरफ से वो ये है कि वो लोग वुहान वायरस नहीं कहने दे रहे हैं या फिर चाइना वायरस नहीं कहने दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस है और इसे वही कहो, क्योंकि काफ़ी लोग इसे वुहान वायरस भी कह रहे हैं, चाइना वायरस भी कह रहे हैं, तो वो भी ये करने में कामयाब रह रहा है। तो इस तरीके से चाइना जो है उसकी मेंटेलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अब आपके मन में इसको लेकर जितने भी सवाल होंगे वो यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब देखिए, जब हम इकोनॉमी सेक्शन देखते हैं तो उसमें फेड कट रेट्स देखने को मिलते हैं।
मतलब यहाँ पर उनकी जो फेडरल रिजर्व है उसने यहाँ पर क्या किया है, जो रेट्स है वो कट किए हैं, और बाकी जो सेंट्रल बैंक है वो भी कोऑर्डिनेट करेंगे, ऐसा यहाँ पर समझा जा रहा है। आरबीआई जो है उन्होंने भी हिंट किया है कि यहाँ पर रेट कट जो है वो हो सकता है। अब देखिए, हमने कई बार देखा है जब भी रेट कट होते हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कंजम्पशन नहीं हो पा रहा है, इन्फ्लेशन पूरा डाउन जा रहा है, स्लो डाउन की सिचुएशन देखने को मिल रही है, और बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर रिसेशन जैसी सिचुएशन ना आ जाए, इसलिए ये मूव जो है ये तो फेड बैंक से लेना ही था। और ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब हमने डिस्कस किया था कि रिसेशन जैसी सिचुएशन जो है वो हमें देखने को मिल रही है। रिसेशन बेसिकली क्या होता है, रिसेशन और स्लोडाउन में डिफरेंस क्या है, स्लोडाउन मतलब होता है कि आपके जो क्वार्टर्स है, क्वार्टर मतलब वो क्वार्टर नहीं, ये आपके जो क्वार्टर्स है मतलब जो ग्रोथ के जीडीपी कैलकुलेट करने के जो क्वार्टर्स है, तो क्वार्टर वन क्वार्टर टू अगर हम देखते हैं तो ये अगर 5% से ग्रो हो रहा था, ये अगर 4% से ग्रो हो रहा है, मतलब यहाँ पर स्लोडाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर कंसेक्यूटिव क्वार्टर में अगर हमें माइनस में जीडीपी ग्रोथ देखने को मिलती है, जैसे कि हमारे यहाँ पर एट प्रेजेंट 4.5% के आसपास चल रही थी, तो अगर ये -2% फिर इसमें -3% इस तरीके से अगर देखने को मिलती है तो हम कहते हैं कि रिसेशन आ गया है। और ओवरऑल ग्लोब की अगर बात की जाए तो कोरोना वायरस की वजह से ओवरऑल ग्लोब में जो ट्रेडिंग है वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करना पड़ रहा है, इसीलिए ग्लोबल रिसेशन जो है उसका खतरा मंडरा रहा है, और इसीलिए जो फेड कट्स है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, उसी की वजह से आरबीआई जो है उनकी तरफ से भी यहाँ पर रेट कट वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और डोमेस्टिक एयर पैसेंजर जो है ट्रैफिक वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिर गया है, लोग जो है वो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, तो इसलिए इकोनॉमिक लॉस जो है सभी इस पर बहुत बुरी तरीके का पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो गया है 3.5% टू 8.3 लाख करोड़, इतना यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अब देखिए, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सरकार को फिस्कल डेफिसिट जो है वो मेंटेन करना होता है। फिस्कल डेफिसिट जब मेंटेन करती है, जब बजट पेश होता है उस टाइम पे वो अंदाज़ा लगाती है कि हमारे पास इतना इतना पैसा जो है वो आ जाएगा, लेकिन अगर एक्सपेक्टेड पैसा ना आए तो फिर वो किसी ना किसी और सोर्सेज से पैसा जो है वो जनरेट करने की कोशिश करती है। जैसे कि यहाँ पर जो ऑयल प्राइसेस है वो $30 पर बैरल से भी नीचे आ गए, तो ऐसे सिनारियों में हमारे जो फ्यूल प्राइसेस है वो भी काफ़ी डाउन आने चाहिए थे, लेकिन वो डाउन आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं। उसका कारण क्या है, एक्साइज ड्यूटी जो है वो बढ़ा दी जाती है, एक्साइज ड्यूटी सरकार की तरफ से बढ़ा दी गई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सरकार को टैक्स में ज़्यादा पैसा मिलेगा, जिससे कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो काउंटर कर सकते हैं। अब देखिए, मध्य प्रदेश में बेसिकली क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि जो सिंधिया है उन्होंने रेसिग्नेशन दे दिया, उसी के साथ साथ 22 और एमपी जो है, एमएलए जो है, उन्होंने रेसिग्नेशन दे दिया। अब इसके वजह से जो कमलनाथ की सरकार है उनकी सरकार यहाँ पर धोखे पे आ गई, इसका मतलब है कि टोटल जो लोग हैं उनकी संख्या यहाँ पर गिर गई। अब टोटल यहाँ पर बनाने के लिए 112 सीटें चाहिए, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कमलनाथ जी की सरकार तो उनके पास 108 सीटें हैं, अगर आप देखोगे बीजेपी की उनके पास 107 सीटें हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी का रेसिग्नेशन जो है मान्य नहीं किया गया है स्पीकर के द्वारा। अब ये आपको पता होगा, इसमें कुछ पॉलिटी के कॉन्सेप्ट्स, हम यहाँ पर पूरा ये नहीं देखेंगे कि केस बेसिकली चल क्या रहा है, पॉलिटी के कॉन्सेप्ट देखेंगे। पहला पॉलिटी का कॉन्सेप्ट इसमें ये आता है कि स्पीकर के हाथ में होता है कि वो, मतलब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसके हाथ में होता है कि रेसिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट करे या फिर ना करे। तो यहाँ पर अभी स्पीकर जो है उन्होंने सिर्फ 6 लोगों का रेसिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट किया है, बाकी लोगों का रेसिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया है। उसी के साथ साथ दूसरी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो हाउस है वो कब आगे जाएगा या नहीं जाएगा, ये भी यहाँ पर स्पीकर जो है उनके हाथ में देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्पीकर ने फ्लोर टेस्ट जो है वो कहा था कि फ्लोर टेस्ट यहाँ पर होगा, क्योंकि बट ऑब्वियस है कि सरकार जो है वो धोखे में आ गई कमलनाथ की, इसलिए यहाँ पर फ्लोर टेस्ट की बात की गई थी। लेकिन जिस दिन फ्लोर टेस्ट था, कोरोना वायरस का हवाला देकर जो फ्लोर टेस्ट है उसे यहाँ पर ढकेल दिया गया, मतलब हाउस जो है उसे यहाँ पर ढकेल दिया गया। तो इससे दो चीज़ें हमें देखने को मिलती है, एक तो यह है कि एक्चुअल में कोरोना वायरस की वजह से ही ये हाउस जो है उसे ढकेल दिया गया हो, दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि यहाँ पर 6 ही लोगों का एक्सेप्ट किया गया है, इसका मतलब है कि जो बाकी के लोग हैं उन्हें फिर से पार्टी में लाने की कोशिश जो है वो की जाएगी, और इस तरीके से यहाँ पर जो कमलनाथ जी की सरकार है उसे यहाँ पर बचाने की कोशिश की जाएगी। दूसरी तरफ यहाँ पर बीजेपी की जो सरकार है वो भी कोशिश करेगी कि जो आंकड़ा है ये और नीचे आ जाए, और उसी के साथ साथ यहाँ पर ये आंकड़े तक, ये जो आंकड़ा है इन तक, मेजोरिटी तक पहुँच जाए।
तो इस तरीके का पूरा सिनारियो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर स्पीकर की जो पावर है वो यहाँ पर देखिए देखने को मिलती है कि स्पीकर के हाथ में कितनी पावर है। और कुछ ही दिन पहले हमने ये भी देखा था, कुछ ही दिन पहले मतलब जो हम मतलब जो साल भर के करंट अफेयर में ला रहा हूँ पॉलिटी के, उसमें मैंने आपको बताया था जो स्पीकर की पावर है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि स्पीकर की जो पावर है उसे थोड़ा ये किया जाए, मतलब जो स्पीकर जो भी ये सारी चीज़ें देखते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो भी डिस्क्वालिफिकेशन होता है उसे यहाँ पर स्पीकर ना देखे, लेकिन एक ट्रिब्यूनल जो है सेपरेट उसके लिए बनाई जाए, क्योंकि स्पीकर जो है वो न्यूट्रलिटी के साथ बिहेव नहीं करते हैं। मतलब देखिए हर वक्त ऐसा होता ही है, जब बीजेपी के इसमें जाएगा मतलब बीजेपी के अगर स्पीकर रहेंगे तो उनके फेवर में कुछ देंगे, अब यहाँ पर कांग्रेस के स्पीकर है इसलिए यहाँ पर कांग्रेस के जो है उसके समर्थन में जो चीज़ें हैं जो निर्णय हैं वो लिए जा रहे हैं। तो ये चलता ही है, यही यहाँ पर पॉलिटिक्स है। और यहाँ पर पॉलिटिक्स से अगर बाहर निकलना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, न्यूज़ चैनल को स्विच ऑफ कर दो। तो इस तरीके से हमको सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो भी यहाँ पर अपडेशन होगा वो और अच्छी तरीके से मतलब जब फाइनल पिक्चर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा फ्लोर टेस्ट के बाद, उसके बाद सेपरेट वीडियो मैं इस पर आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आइए मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं, हमारी खूबसूरत धरती जूम करते हैं तो भारत जो है वो देखने को मिलता है। अब हम चलेंगे यूरोप में, तो यहाँ पर हम क्रॉस कर रहे हैं हमारे मिडिल ईस्ट को, यहाँ पर हम आ गए हैं यूरोप में मतलब मेडिटेरियन सी में। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये है वो माउंटेन्स जो मैंने आपसे पूछे थे कौन से माउंटेन्स है, ये है आल्प्स माउंटेन। कौन से हैं, आल्प्स माउंटेन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखी होगी। ये हमारे वीडियो का एंड, वीडियो पसंद आता है तो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।